उस मोमेंट पे जाके हर किसी को पता चलता है कि जो सही है उसको पागल और जो गलत है उसको सब लोग सही मान रहे हैं, और वहां जाके हमारी फिल्म खत्म होती है। द एंड। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। स्क्रिप्ट काफी अच्छा था एंड थैंक यू साजिद हम सबको अपने अगले फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने के लिए। सो गाइस प्लीज गिव योर फीडबैक टू साजिद बिकॉज काफी नर्वसनेस के बाद उसने ये स्क्रिप्ट अटेम्प्ट की है एंड प्लीज बी इजी ऑन हिम। नो सीरियसली गाइस विद ऑल सीरियसनेस आई वांट टू थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैंने इस स्क्रिप्ट पे काफी मेहनत की है, इसलिए गाइस आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे स्क्रिप्ट के बारे में एकदम रियल और ऑनेस्ट फीडबैक दें। आज मैं जेन्युइनली आप सभी एक्सपीरियंस्ड राइटर्स, फिल्म मेकर, क्रिटिक्स, आप सबसे अपनी स्क्रिप्ट के बारे में एकदम मैं जेन्युइन फीडबैक चाहता हूं। सो प्लीज गो अहेड, प्लीज। एनीबॉडी, एनीथिंग? ओके, मैं शुरू करती हूँ। वेल, अकॉर्डिंग टू मी सारे एक्शंस काफी अच्छे थे, सटल थे और टू द पॉइंट थे। थैंक यू वेरी मच। बट कैरेक्टर्स के डायलॉग्स मुझे अच्छे नहीं लगे, एस्पेशली मेन कैरेक्टर अशोक के डायलॉग्स। मतलब बहुत बेकार डायलॉग्स थे। इतने गंदे डायलॉग्स मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं सुने होंगे। पूरा टट्टी था। सीग्रेट फिल्म के भी डायलॉग्स इसे अच्छे होते होंगे यार, कम ऑन। एक्चुअली जूही, मैं तुम्हारी बातों से अग्री नहीं करता हूँ। मुझे डायलॉग्स काफी अच्छे लगे। इनफैक्ट डायलॉग्स वर द बेस्ट थिंग इन द स्क्रिप्ट। थैंक यू वेरी मच। मुझे डायलॉग्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगा, पर प्रॉब्लम था तो कैरेक्टर्स के एक्शंस में। उन्हें मतलब एक्चुअली पता ही नहीं है कि किस सिचुएशन में क्या करना है, और इसकी शायद ये वजह ये होगी कि तुम्हारे पास राइटिंग स्किल्स नहीं है, और स्किल्स न होने की वजह से तुम एक अच्छे राइटर नहीं हो। एंड आई एम डैम श्योर कि नर्सरी LKG के बच्चे भी तुमसे अच्छा लिखते होंगे जिन्होंने अभी अभी लिखना सीखा है। सो राइट नाउ तुम ऐसा कर सकते हो, एक एसिड का कंटेनर लो और अपने दोनों हाथों को उसमें डाल दो और अपने हाथों को डिजॉल्व होते हुए देखो, ताकि दोबारा ऐसी बेकार स्क्रिप्ट ना लिख सको। इससे तुम हर किसी को जस्टिफाई कर सकोगे, स्पेशली अपने आप को। एक एसिड का कंटेनर लो, अपने दोनों हाथों को उसमें डाल दो, अपने हाथों को डिजॉल्व होते हुए, ताकि दोबारा ऐसी बेकार एक्शंस फिर ना लिख सको। आई मीन कभी भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मेरे पास भी कुछ थॉट्स हैं आपकी स्क्रिप्ट को लेकर। यस प्लीज कंटिन्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रू आउट मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, बट द थिंग इज आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि स्क्रिप्ट में अच्छा क्या था। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एकदम बोरिंग और पैथेटिक थी। सो फ्रॉम माई पॉइंट, यू शुड लीव योर करियर एज एन राइटर। ओके, लेट मी ट्राई। सर साजिद, मुझे लगता है कि आज तुम्हें घर जाकर उन सारी इंस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस, तुम्हारी फेवरेट नॉवेल्स और तुम्हारे आर्टिकल्स, उन सब से जिनसे तुम मोटिवेट हुए हो, उनका नाम एक पेपर पे या कई सारे पेपर पे लिखकर एक लाइटर लेकर उन्हें जला देना चाहिए, और उस आग के बीच में जलते हुए अपनी राइटिंग स्किल को भी देखना चाहिए, और आज से लेके मरते दम तक तुम्हें ये भूल जाना चाहिए कि तुमने कभी राइटर बनने की कोशिश भी की थी। वाओ, मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं। वेल, तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए, बट ऑफ कोर्स इट्स एक्चुअली माय ओपिनियन, सो नो हार्ड फीलिंग्स। नो, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ओके। सो साजिद,
घर के आगे जो रेड डोर था उसका मोटिव क्या था? क्योंकि पूरे स्क्रिप्ट में वो बार बार रिपीट कर रहा था। आई एम रियली ग्लैड दैट यू ऑब्जर्व्ड इट। इस पूरी स्क्रिप्ट में रेड कलर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। ओके। अशोक और प्रिया जब मिलते हैं तो दोनों ने रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं, विच मीन्स दे ऑलरेडी लाइक ईच अदर्स कलर चॉइसेस। और जब घर का दरवाजा भी रेड होता है, दिस सिग्निफाइज दैट एक बॉन्ड है, एक कनेक्शन है उन दोनों के बीच, ऐसा। ओके। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन तुम्हारा ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद तो मेरे दिमाग की मां चुत गई है। इनफैक्ट इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं लिटरली इतना अपसेट हूं, मैं हर किसी रैंडम बंदे को मारना चाहता हूं। अगर कोई रोड पर चल रहा हो तो मैं उसे मारना चाहता हूं, अगर कोई कहीं बैठा हो तो मैं उसे मारना चाहता हूं, मैं हर किसी को मारना चाहता हूं। इनफैक्ट कबीर इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन मैं इतना अपसेट हूं कि मैं इसे भी मारना चाहता हूं। थैंक यू संजय फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक। उस रेड डोर के एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद मैं इतना अपसेट हूं कि मैं खुद मारना चाहता हूं। सो संजय, यू कैन किल मी नाउ, फ्रैंकली स्पीकिंग, किल मी। आर यू श्योर? यस श्योर, 100% श्योर, किल मी। Okay, मुझे कुछ कहना है। मैं अभी जब हेल में गया वहां पर काफी लोग थे, जैसे कि कसाब, बिन लादेन, हिटलर, और उन सबको बस एक ही सजा मिली थी, और वो थी कि उन्हें साजिद खान की स्क्रिप्ट को पढ़ना था। उनके पास बस दूसरा ऑप्शन ये था कि लाखों करोड़ों सालों तक धरती पर इमोर्टल सोल बन के भटके। फिर बाद में मैंने सबकी तरह इशारा किया तो सबने बोला फबा डोंट रीड द स्क्रिप्ट, डोंट रीड द स्क्रिप्ट। फिर मैं यहां पे आ गया।